जो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक लेटेस्ट और बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। आरआरसी चीफ कंट्रोलर पर सीबीआई का छापा पड़ चुका है। जिस प्रकार से आपके रिजल्ट में धांधली हम लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था देखने को मिली है, उसी के लिए आरआरसी चीफ कंट्रोलर पर छापा पड़ चुका है। रेलवे अधिकारी 5 लाख रुपए में ग्रुप डी भर्ती करा रहा था। क्या अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसका पर्दाफाश हो चुका है इस गिरोह का, क्या रिवाइज रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्या लाखों छात्र का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मौका मिल सकता है या फिर नहीं। तो फाइनली गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। गाइस आपको पता है आपकी हक की लड़ाई के लिए सबसे पहले स्टडी विद मैथ आगे आता है। यदि आपने अभी तक अपना सपोर्ट नहीं दिखाया बिल्कुल सपोर्ट दिखाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं ये जो है रेलवे हाजीपुर में सीबीआई का छापा रेलवे के चीफ कंट्रोलर को उठाया। रेलवे का चीफ कंट्रोलर जो है रेलवे का बहुत ही बड़ा अधिकारी होता है जो कि भर्ती प्रक्रिया में उसका अच्छा खासा वेटेज होता है, उसका खासा हाथ होता है। यहाँ पर देखेंगे हाजीपुर नगर संवाददाता पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर में गुरुवार को रेलवे के चीफ कंट्रोलर अभय कुमार को कार्यालय सहित कई ठिकानों पर सीबीआई टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई ने अभय कुमार के करीब एक घंटे तक पूछताछ की और उनके साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई। टीम के सोनपुर मंडल में रेलवे हॉस्पिटल में सीएमए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कांत गुप्ता से भी रात में 10:30 बजे तक पूछताछ जारी करती रही। इस बीच सोनपुर मंडल रेलवे अधिकारीालय में वरीयता पर अधिकारियों को सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापा। भाई यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट है, रेलवे के जो चीफ कंट्रोलर था उसको सीबीआई ने पूरी तरीके से उठा लिया है। और वो किसके लिए भर्ती की प्रक्रिया की इन लोगों ने यहाँ पर बात करें, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई, आगे मैं आपको और सारी अपडेट दिखा रहा हूँ और प्रूफ भी दिखा रहा हूं जहां पर उनके साथ उन्होंने किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में छात्रों के साथ अन्याय किया है उस नोटिस को मैं यहां पर दिखाऊंगा। साथ में गुरुवार शाम सीबीआई ने टीम ने सीधे चीफ कंट्रोलर अभय कुमार के ऑफिस में पहुंची और उनके मोबाइल और अन्य चीजों को रखाव लिया। उसके बाद उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ की। अभय कुमार हाजीपुर के चीफ कंट्रोलर बनने से पहले सोनपुर कंट्रोलर में भी काम कर चुके। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने सीबीआई छापेमारी में अभय सिंह से पूछताछ के बाद अपने साथ ले जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही क्यों की गई यह तो सीबीआई की बता सकती है। तो गाइस यदि आप देख सकते हैं मैं जो है तो दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर भी इन्होंने अपने यहाँ पर जो रेलवे में हुई ठगी के मामले में बताया कि यहाँ पर देखोगे आरआरसी में नौकरी के नाम पर ठगी रेलवे चीफ कंट्रोलर के ठिकानों पर सीबीआई के रेड गिरफ्तार में। अब यहाँ पर सीबीआई के छात्र इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। देखो पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर के गुरुवार को रेलवे के चीफ कंट्रोलर अभय कुमार के ऑफिस में समेत कई ठिकानों पर सीबीआई टीम के छापेमारी का। अभय ने ग्रुप डी की नौकरी देने पर लाखों छात्रों को पर लाखों रुपए लिए थे, सीबीआई अफसर ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी ने कितने लाखों रुपए ले रहे हैं। यहाँ पर आगे बोला गया इधर सोनपुर मंडल के हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी में करीब 10:30 बजे रात को विजिलेंस की पूछताछ के दौरान सोनपुर मंडल कार्यालय में कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे। यहाँ पर जो सीबीआई की जाँच पड़ताल चल रही वहाँ पर एक से ज़्यादा अफसर भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आगे बोला गया सीबीआई के रेड के बाद रेलवे मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। सीबीआई के रेड पर ईसीआर सीपीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चीफ कंट्रोलर अभय कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप है। आगे देखेंगे ग्रुप डी में नौकरी की दिलाने के नाम पर पैसे की उगाही का आरोप। जोनल अधिकारी के तैनात चीफ कंट्रोलर ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से पैसे के लेने का आरोप है। इसमें वैशाली लालगंज निवासी राजकुमार कपूर भी शामिल है। राजकुमार कपूर ने अभय कुमार से यहाँ पर देखो कि बहुत बढ़िया 5.5 लाख रुपए अपने बेटी को नौकरी दिलाने के लिए नाम पर लिया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो व्यक्ति ने सीबीआई से शिकायत दर्ज कराई, उसके आधार पर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर देखें कि बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, 5.5 लाख रुपए में रेलवे के कोई ग्रुप डी की नौकरी दिलाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर नौकरी जब उन्हें नहीं दी गई, हो सकता है कि इन्होंने रिजल्ट के बाद जब इन्होंने रिजल्ट को पब्लिश कर दिया हो तब इन्होंने
पैसे दिए हों, इस कारण से इनको नौकरी नहीं दी गई, क्योंकि पटना का रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी किया गया। लेकिन अलग अलग यदि आरआरबीओ को हम रिजल्ट देखते हैं, चार बार किसी का पांच बार किसी का तीन बार रिवाइज रिजल्ट आए, तो इन तीन बार में यहाँ पर एक भर्ती गिरोह का पर्दाफाश किया गया। लेकिन बहुत ऐसे भर्ती गिरोह के बहुत ऐसे जोन होंगे जहाँ पर इनकी जानकारियाँ किसी को नहीं पहुँचोगी, और सभी आरआरबीओ में इसी तरीके से धांधली हुई, इसी तरीके से वर्चस्व देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ, इतनी ज़्यादा आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ ना देना, ग्रुप डी में पीडब्ल्यूडी छात्रों के सत्य अन्याय, ये बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, और रेलवे के इसके कारण से लाखों छात्रों को यहाँ पर नुकसान को झेलना पड़ा था। फाइनली गाइस आपके लिए यही अपडेट थी। आरआरसी पटना में यदि आप देखोगे या फिर आरआरसी हाजीपुर की बात करोगे, वहाँ पर चीफ कंट्रोलर को सीबीआई ने उठा लिया है, उन्होंने नौकरी में धांधली के आरोप में 5.5 लाख रुपए में नौकरी दिला रहे थे। इस तरीके से कितने अभी तक आरोप है, कितने आरआरबी सामने आएंगे, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि इस पेपर में दर्जनों छात्रों ने यहाँ पर पैसे दिए थे, उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे से जांच होती है, तो ऐसा भी माना जा सकता है कि आपके कुछ छात्रों को लिए दोबारा सम्मिलित किया जा सकता है, उनके लिए दोबारा रिजल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है। जिस प्रकार से आरआरसी रांची और आरआरसी सिकंदराबाद ने अपना कई बार रिजल्टों को अपने अप्रूव्ड किया, उन्होंने छात्रों को बाहर और अंदर के यहाँ पर भी धांधली के आरोप देखने को मिल सकते हैं। ऐसा आखिर में होगा क्या? धीरे धीरे जाँचें चलेगी और सभी आरआरबीओ में किसी तरीके से गड़बड़ियाँ होगी, शायद हो सकता है कि पकड़ में आ जाए। वैसे भी ये गोदी मीडिया के आगे हमारे बातें जो है आगे नहीं पहुंचेगी, हमें जानकारियां नहीं मिल पाएंगी, और इन बातों को भी आगे गवर्नमेंट भी आगे ही दबा देगा। इसी तरीके रेलवे गवर्नमेंट खुद ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बोलता है कि किसी प्रकार से भर्ती में, रेलवे भर्ती निष्पक्ष प्रकार से होती है, किसी प्रकार से दलाल या किसी प्रकार से किसी के सामने ना आए। और जब यहाँ पर रेलवे कर्मचारी, रेलवे गवर्नमेंट ही उस पर काम करने वाला ही इस तरीके के झांसा देखकर रेलवे के भविष्य में रेलवे का क्या होने वाला, क्या ये ग्रुप डी के छात्रों के लिए इतनी बड़ी मशक्कत आ गई है कि यदि उनके पास पैसा नहीं तो वो नौकरी नहीं कर सकते, वो अपने टैलेंट अपने दम पर वो नौकरी नहीं कर पाते, इस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय क्या कर रहा है, ये आपको क्या लगता है किस तरीके से क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके लिए जो अपडेट थे प्रोवाइड करा दिया, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।